हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टाटा इलेक्ट्रा के बारे में। ये स्टॉक आज 5% ऊपर है, मार्केट इज अबाउट टू क्लोज एंड इसका प्राइस 6400 के ऊपर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। अगला रेजिस्टेंस 6500, देन इट विल बी रेडी टू टच इट्स न्यू 52 वीक हाई, जो कि 6730 के ऊपर है। 52 वीक 2025, यानी 52 वीक का स्टॉक है, जबरदस्त रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज्यादा इसने रिटर्न दिया है। Yesterday, TCS ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, रिजल्ट बहुत खराब नहीं है, रिजल्ट ओके है एंड TCS ने बायबैक अनाउंस किया है। सो एक्सपेक्टेशंस ये लगाया जा रहा है कि टाटा इलेक्ट्रा जैसे कंपनी जो है उनका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहेगा। एंड जिस तरह से टाटा इलेक्ट्रा का फोकस ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर है, आने वाले टाइम यानी 2022 में भी इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी टाटा इलेक्ट्रा जो है एक अनदर मल्टीबैगर स्टॉक होने वाला है। इसलिए स्टॉक का जो प्राइस है लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन भी हमें नहीं देखा। प्राइस रनिंग 86 हो गया है, बट फिर भी स्टॉक में जो बाइंग है वो रुक नहीं रहा। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ टच करने वाला है। टेक्निकल्स को अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है RSI यूनिफाइड रिलेटिव सेंस इंडेक्स एंड मनी फ्लो, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 60, MFI में 83.9। MFI में ये स्टॉक ओवरबॉट जोन के ऊपर है, 83.9-85 के जोन पे जब कोई स्टॉक आता है थोड़ा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आता है, बट द हैप्पीएस्ट थिंग इज दैट RSI में अब तक ये स्टॉक ओवरबॉट जोन के करीब नहीं आया। सो MFI के अनुसार ये ओवरबॉट है, बट आई डोंट थिंक सो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता स्टॉक ऊपर की तरफ ही रहेगा। रिजल्ट अगर अच्छे होते और ऊपर आएगा देन प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आ सकता है, अगर रिजल्ट खराब रहे तो स्टॉक नीचे की तरफ भी जा सकता है। सो जिन लोगों को स्टॉक को बाय करना है फॉर लॉन्ग टर्म, वेट फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट के बाद आपको डिसीजन लेना है। अगर आप ट्रेडर हो तो डेफिनेटली विद द स्टॉप लॉस आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, क्योंकि 5% का मूवमेंट एक ही दिन में देना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर हम इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, 1 वीक रिटर्न 7% है, जहां पे 5780 का लो है, 6450 का हाई है, 1 मंथ का लो भी 5340 है एंड 3 मंथ का लो 5263। यानी अगर हम इन रेंज से देखें सो 5000 के करीब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट वहां से स्टॉक बहुत ऊपर आ चुका है। एट दैट मोमेंट जिस रेंज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहां पे 6000 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है, बट वहां से भी स्टॉक एट दैट मोमेंट बहुत ऊपर आ चुका है। इसको आपको ध्यान पे रखना है, जब कोई स्टॉक इतना ऊपर आ जाता है सो अपने ऑब्वियसली 200 डे 100 डे 50 डे 20 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5500 के करीब है, 200 डे 4730, यानी 5500 के ऊपर ही ये स्टॉक आ चुका है, वहां से ऑलमोस्ट 900 रुपीज ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली इसका जो मेन रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 6400 एंड उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर 6400 के नीचे क्लोजिंग देता है सो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो उसका है 6500 एंड नीचे की तरफ जो सपोर्ट बन चुका है वो 6300। तो 6300 यानी 6294 6200 6077 सपोर्ट है। साइकोलॉजिकली 6000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल है। ऊपर की तरफ अगर 6500 ये ब्रेक करता है सो डेफिनेटली ये 52 वीक्स नए हाई के लिए रेडी हो जाएगा। 6500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 6400 इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, पर 6400 ये ब्रेक करेगा तो थोड़ा नीचे आएगा। सो साइकोलॉजिकली आपको 6000 के लिए प्रिपेयर रहना होगा। अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें, पीएस के साथ कंपेयर करें, एज आई ऑलवेज सेड इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी देयर आर मेनी कंपनी, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएलटेक, विप्रो, टेक महिंद्रा इज ऑलवेज इन द टॉप 5 कंपनी। इसके अलावा एलएनटी, इंफोटेक, माइंडट्री, एम्फेसिस, टाटा इलेक्ट्रा, ओरेकल फाइनेंस, परसिस्टेंट सिस्टम, इन कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ऑल्दो बहुत सारे कंपनीज हैं, रिसेंटली मैंने KPIT टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी एक एनालिसिस किया था, इस स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बढ़ चुका है, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ चुका है इन द लास्ट 1 ईयर, बट अगर लॉन्ग टर्म का हॉरिजन, ये स्टॉक यहाँ से भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। बट कंपनीज लाइक एम्फेसिस, माइंडट्री, टाटा इलेक्ट्रा, परसिस्टेंट सिस्टम एंड एलएनटी इंफोटेक, दे आर वेरी गुड कंपनी एंड ये कंपनी भी यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। So that is something is all about, I'm trying to say. Tata Elxsi का price running 87 है, Emphasis का 46, Mindtree का 56 and most important thing L&T Infotech जिसका price running 60 है। So जिन कंपनी का price running 45 to 60 के बीच है वो ज्यादा अच्छे, पर Tata Elxsi is the only company जिसका price running ratio बहुत ज्यादा होने के कारण ये बहुत लोगों के favorite list पे है। इस स्टॉक में लगातार buy हम देख रहे हैं, क्योंकि 2020 year 2 में भी इससे अच्छा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन था, नेक्स्ट 5 ईयर में ये और भी अच्छा रिटर्न देगा। जिस तरह से TCS बढ़ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि टाटा इलेक्ट्रा विल बी द नेक्स्ट TCS। हालांकि TCS के मार्केट कैप है, इसके मार्केट कैप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसको नया TCS बनने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप ओनली 40,000 करोड़ ही है। बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को देखा, अच्छे कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने देखा, 113 से 125 करोड़ प्रॉफिट। अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें, 28 से 30 करोड़ का प्रॉफिट
हुआ है। सो ओवरऑल प्रॉफिट पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने देखा है। ईपीएस जो है 20 के ऊपर है। नेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर अगर प्रॉफिट और बढ़ते यानी 140-150 करो, सो डेफिनेटली स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। 44% से प्रोमोटर्स के पास एफआई इज वेरी बुलिश, 11-12% से उनके पास है, डीआई का भी 5% स्टेक है। लुक एट द पब्लिक होल्डिंग, 38%। एक कंपनी में इतना पब्लिक होल्डिंग होना यह दर्शाता है कि बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर इज लव टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक डायरेक्टली। एंड क्यों ना हो, 2000 से 6400 इसने रिटर्न दिया है इन द वन ईयर। सो डेफिनेटली जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में, 3000 पे भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी उनका भी रिटर्न ऑलमोस्ट 100% इन लेस देन वन ईयर। सो दैट इज समथिंग पीपल आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड आपको इसको रडार पे रखना है, वेट एंड वॉच। रिजल्ट से पहले मत बाय कीजिए, बाय करने थोड़ा करेक्शन में कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।